I'd like to now invite Sardar Tarlochan Singh, former member of parliament who served as chairman, National Commission for Minorities from 2000 to 2003, to please address us. के बहुत देर के बाद ऐसा हमने ये जो सम्मेलन आज है वो मुंबई शहर में इन्होंने जो इसका इंतज़ाम किया है, द नीड ऑफ द डे ही हैज रिजन टू द ओकेजन, और सबसे अच्छा खुशगवार और जो शुरुआत है जनाब कादरी साहब, आपकी शमूलियत ही नहीं पर जो अभी आपने इजहार किया है, अल्लाह करे कि आपको और तौफीक दे, और ये जो आपने जहाद को वापस लाकर जो जहाद का सही कुरान में और सही इस्लामिक रीडिंग्स में है उसको आप एक रास्ते पे वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस मीटिंग में जो शामिल है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, पूज्य स्वामी जी जिनका के करोड़ों लोगों पे असर है, जो ऋषिकेश लोग वहाँ जाके मेंटल पीस के लिए जाके बैठते हैं, और सब धर्मों के और अमेरिका से भी, और माय ग्रेस कार्डिनल इज हियर, ही हैज जस्ट नाउ स्पोकन, दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ। इशू तो बहुत बड़ा है कि टेररिज्म को कैसे रोका जाए और सार्क में, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है अगर उसकी तरफ जाएं कि पिछले 50 सालों में हुआ क्या है, सबसे बड़ा तो ये हुआ कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए धर्म के मजहब के नाम पे, मजहब के नाम पे लाखों लोग कत्ल हुए, मजहब के नाम से हमने अपने गांव छोड़ के इधर आए जो सेंचुरीज ओल्ड थे, लेकिन जैसे आपने फरमाया कि हम अब दोस्ती में रहना चाहते हैं, हम रहें, लेकिन ये जो दोस्ती कैसे हो, मैंने कुलकर्णी जी एक राय दी थी एज पार्लियामेंट में कि पीपल टू पीपल मूवमेंट है कहाँ, जितने हम पाकिस्तान बॉर्न हैं वो हार्डली नाउ अबव 70 ईयर्स ओल्ड हैं, एंड हर कोई चाहता है अपना गांव देखना जहाँ वो पैदा हुआ, मरने से पहले हम चाहते हैं अपना गांव देखें। हमारा प्राइम मिनिस्टर का भी गांव पाकिस्तान है। जो भी हम लोग अभी जिंदा हैं बॉर्न टू पाकिस्तान और इंडिया, एक बार उनको तो अलाउ करो विदाउट पासपोर्ट अपने गांव में जाएं, अगर वो जाएंगे तो क्या होगा कि सारा गांव उनका स्वागत करेगा और हमारा जो अपना भाईचारा वो बढ़ेगा। एक छोटी सी बात पे कोई खर्च है क्या, वाघा बॉर्डर ही पार करना है, कोई खर्च नहीं, कोई हवाईजहाज नहीं चाहिए, लेकिन ये छोटी बात भी हमारी सरकारें नहीं करती। ये जो भी हो रहा है इसमें माफ करेंगे मुझे कहने में कि सरकारों का बहुत बड़ा रोल है, हमारे पॉलिटिशियंस अमन नहीं चाहते, ये बात बड़ी साबित है। मैं अपनी बात बताऊं, हमारी ये जो अभी अब टेररिज्म वर्ल्ड है हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और हमें 10 साल इसमें खून की होली खेली पंजाब में, बहुत बड़े इसके हादसे में हमारा भी जिक्र आता है, हमारे खिलाफ भी किताबें छपती हैं, हमारे बारे में बहुत हुआ, लेकिन जैसे अभी आपने कोट किया, शायद दुनिया में एक ही मिसाल है दुनिया में कि हमारा जो मक्का है वो गोल्डन टेंपल अमृतसर है। आप सबको सुन के हैरानगी होगी, उसका फाउंडेशन स्टोन मुसलमान हजरत मियां मीर ने रखा, इससे बड़ी भी दुनिया में कोई मिसाल हो सकती है कि दो धर्म इकट्ठे हों, कि हजरत मियां मीर ने गोल्डन टेंपल जो हमारा मक्का है उसका फाउंडेशन स्टोन अमृतसर में रखा। ये है हमारी गुरु नानक की ये तालीम कि हम सारे धर्म इकट्ठे हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले कौन बंद, वी बिलीव वननेस ऑफ गॉड कि खुदा एक है, हम उसके लड़के, और जब तक दुनिया में हम ये पहले कन्विंस नहीं करते, एक पिता एक के हम बारक, हमारा फादर एक है, जब तक ये नहीं होता कि मजहब क्या है, रिलीजन इज ए वे ऑफ वर्शिप, कि आप इस्लाम का चाहते हो, ये क्रिश्चियन, मैं सिख, कोई हिंदू का, धर्म और चीज है, मजहब और चीज है, मजहब में बिलीफ
और धर्म, धर्म है दीन की लड़ाई। हम कहते हैं जो लड़े दीन के, दीन है राइटियस काज के लिए लड़ाई, राइटियस काज के लिए मरना, वो अलाउड है। लेकिन उसमें भी जब तक हमारा धर्म ये कहता है अनलेस यू फेल ऑन एनी पीसफुल मेजर्स, सारे दुनिया के अमन के रास्ते पहले लो, लेकिन अमन का रास्ता कौन नहीं होने देता, पॉलिटिशियन। तो भाई साहब जब तक हम जितने आए हो, मैं इसको वेलकम करता हूं कि लेट अस गो फॉरवर्ड, पर मेरी आपसे एक अपील है, जितने भी हमारा ये अनरेस्ट है, श्रीलंका में हुआ कितने लोग मरे, बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है आप देख रहे हो, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में आपने खुद बताया, हमारे भी कई तरह का यहाँ टेररिज्म डिफरेंट शेप में इंडिया में अभी है, तो सबसे ज़्यादा अभी हम टेररिज्म में ये साउथ ईस्ट सार्क ही इन्वॉल्व है। मेरी सिर्फ ये एक सुझाव है, माई सुजेशन, कि वी मस्ट फॉर्म ए हाई पावरफुल रिलीजियस काउंसिल जो एटलीस्ट पहले प्रोब करे कि व्हाट आर द काजेज, कि ये कहाँ है टेररिज्म का ग्रोथ का रीजन क्या है, और वो काउंसिल जैसे आपने अब बताया सब रिलीजन बिलीव करते हैं अमन में, बट देर शुड बी ए फॉर्मेशन, अनफॉर्मेशन में बड़े से बड़े लीडर्स ऑफ रिलीजन हों, जो उनकी मीटिंग हो और वो खुद पहले प्रोब करके देखो। दूसरी बात ये है भाई, जब हमारे आतंकवाद हुआ टेररिज्म, मैं उसको जाना नहीं चाहता हिस्ट्री में, वो टेररिज्म सिखों ने ही ख़त्म किया, सरकार ने नहीं किया। हमारा टेररिज्म जो आया पंजाब में 10 साल चला, लेकिन अल्टीमेटली सिख डिसाइडेड कि ये एनार्की है, ये ब्लड शेड है, ये इनोसेंट जो है खुद सिखों ने खड़े होकर उनको ख़त्म करवाया कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी। तो अनलेस दैट कम्युनिटी जिसमें टेररिज्म इन्वॉल्व है वो खड़े होके नहीं कहेगी कि ये गलत है, सरकार नहीं कर सकती, हम नहीं कर सकते, द कम्युनिटी खुद लीडर्स उसमें खड़े होके आवाज़ दें। ये देखो क्या होता है, सुसाइड बम्बर टारगेटेड अटैक नहीं है, टारगेट अटैक होता है भी आपने भगत सिंह ने किया, टारगेट अटैक ऊधम सिंह ने जाके एडवायर को लंदन में मारा, वो था दीन की लड़ाई। लेकिन एक सड़क पे जाके बम छोड़ दो और इनोसेंट लड़के लड़कियां मर जाएं, ये कोई मजहब नहीं कहता, वी हैव टू कंडेम दैट। तो इसलिए मेरी सुजेशन ये है कि लेट अस स्टार्ट विद ए प्रॉपर काउंसिल ऑफ रिलीजन्स, जो बड़े से बड़े हमारे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत बैठे हैं, दलाई लामा भी यहाँ रहते हैं, इससे बड़ा क्या होगा कि सबसे बड़ी जिसको दुनिया कदर करती है वो भी इंडिया में ही रह रहे हैं, तो वाई नॉट फॉर्म ए काउंसिल, लेट देम प्रूव एंड पीपल एट द हेड, कादरी साहब खुदा ने आपको ये जो दिया है ये सब, इसका हम पूरा इसको एक्सप्लॉइट करें, उसका फ़ायदा लें हम पूरा, और सभी जो यहाँ बैठे हैं एक से एक बड़े बैठे हैं। मैं सच कहता हूँ जितने आज ये पार्टिसिपेंट हैं इनकी सोसाइटी में अपने धर्म में बहुत कदर है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल लोग आए, मैं इसलिए ये चाहता हूँ कि जितने बैठे हैं मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हुआ यही कहूँगा कि जो शुरुआत आज कुलकर्णी जी ने की है और आपकी सदारत में आपके इस बड़े बढ़िया लेक्चर से हम वी ऑल एग्री, वी ऑल सपोर्ट एंड वी ऑल प्रिपेयर टू गो फॉरवर्ड, और उसको करें, यही कह के इजाज़त लेता हूँ, थैंक यू।